इसी रोष में कैंडल मार्च निकालेंगे ताकि आगे से किसी किस्म की ऐसी घटना ना हो जिससे पब्लिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करे और पुलिस अपनी ड्यूटी को निभाने में असक्षम हो। इससे पुलिस का मनोबल गिरा है। उस मनोबल को ऊंचा रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत जिन जिन का दोष है उन्हें खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए, हमारी यही मांग है। तो जिस तरीके से एक पुलिस कर्मचारी से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, तो उन वकीलों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई या कुछ नहीं किया गया अभी तक? उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको सजा दी जाए। जजों के रवैये को आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? जजों का रवैया ऐसा है कि जजों को कोई भी बात कन्वे कराने के लिए एक माध्यम है वकील, और जो उनको वकीलों ने जो बात कन्वे कराई वो उसी के आधार पर अपना निर्णय लेते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे अधिकारियों को भी बुलाकर पूछा जाए और इसकी पूरी इंक्वायरी कराकर जो दोषी पाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं, जो वहाँ सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश भी नहीं की अभी तक कि वो प्रेस में सामने आए हों या नहीं? ऐसी बात नहीं है। हमारे पुलिस अधिकारी अपना पूरा पक्ष रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे हमारी पुलिस का मनोबल गिरेगा और उनकी कार्य क्षमता में कमी आएगी, असर पड़ेगा, कमी आएगी, तो इसलिए ऐसी इंसिडेंट नहीं होने चाहिए आगे से। लेकिन ये मामला अभी काफी बढ़ गया है, तो क्या समाधान आप देखते हैं, किस तरीके से सुलझाया जा सकता है इसको? जो मामले बढ़ते हैं समाधान तो सभी का होता है, किसी का दो दिन आगे किसी का दो दिन पीछे, समाधान तो सबका हो जाएगा। वकीलों में भी अच्छे इंसान भी हैं और बहुत बढ़िया भी हैं, उन वो सब इन स्थितियों को समझेंगे। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको कानून का पता है, उन्होंने जिन वकीलों ने कानून अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और आगे से ऐसा ना हो इसका वादा करें, मामला अपने आप सुलझ जाएगा।